दर्पण समाचार और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कंपोजिट विद्यालय भवानी शिवपुर में विदाई समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सुल्तानपुर बंदली राय पैच। सुल्तानपुर बंदली राय ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय भवानी शिवपुर में कक्षा 8 के बच्चों का विदाई समारोह का आयोजन प्रभारी विधाना अध्यापक अशोक कुमार दुबे की अध्यक्षता व कक्षा अध्यापक करतार यादव के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी रोजी सिंह व विशिष्ट अतिथि ARP राधव पैच। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी रोजी सिंह व विशिष्ट अतिथि ARP रामधर यादव रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ रोजी सिंह के द्वारा प्रवेश द्वार पर फीता काट कर किया गया। तत्पश्चात बच्चों ने अनुशासित ढंग से अपनी सीट से उठकर मुख्य और विशिष्ट अतिथि का अभिवादन किया। BEO मैडम के द्वारा सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर प्रस्तुति दी गई। दीपिका यादव ने मुख्य अतिथि रोजी सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत किया। रामधर यादव और अशोक कुमार दुबे का बच्चों ने माला पहना कर स्वागत किया। करतार यादव के द्वारा मुख्य अतिथि रोजी सिंह को राधे श्याम स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। वहीं रोजी सिंह और बच्चों के द्वारा केक काट कर एक दूसरे को खिलाते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। आराध्या और नैन्सी के द्वारा मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का गीत के माध्यम से स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि रोजी सिंह ने विदाई समारोह को शुभकामना समारोह की संज्ञा दी। वहीं बच्चों ने अपने अनुभवों और पुरानी यादों को अपने जूनियर छात्रों के साथ साझा किया। ARP रामधर यादव ने कहा कि बच्चों आपकी विदाई नहीं हो रही है, बल्कि आप सब अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। सभी अध्यापकों ने बच्चों को अपने संबोधन में ज्ञान की टिप्स दी। बच्चों ने अपने शिक्षकों और अतिथियों को गिफ्ट में पेन देकर सम्मान किया। खंड शिक्षा अधिकारी रोजी सिंह कार्यक्रम को देखकर बहुत प्रसन्नचित नजर आईं। मैडम ने कहा, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। हर पहलू पर स्टॉप की सक्रियता देखकर मैडम ने आवश्यक निर्देश देते हुए बेहतर से बेहतर करने की बात कहते हुए अपना पूरा सहयोग देने की भी बात कही। सभी ने बच्चों को नामांकन कराने और मेहनत से शिक्षा प्राप्त करने की नसीहत दी। इस मौके पर विद्यालय का समस्त स्टाफ सहित बहुसंख्या में बच्चे मौजूद रहे। रिपोर्टर राजदेव यादव। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।